रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरयार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डायमेंशंस को डिस्कस किया था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने पढ़ा था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला को। हमने आखिर में जो बात की थी वो टर्म्स एसोसिएटेड विद डायमेंशंस की थी। आज हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला और जो डायमेंशनल हमारे पास इक्वेशंस हैं इसके बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ में या फिजिकल इक्वेशंस में। जो इसके यूजेस हैं वो भी देखेंगे और लिमिटेशंस को भी हम साथ साथ देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे हम लिमिटाइज फॉर्म में देखते हैं, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस की थोड़ी सी बात कर दूं। हम ये जो सारा तरीका अपना रहे हैं डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए, या अभी हम आगे जाके जो यूजेस इसके पढ़ेंगे, तो ये सारा कुछ डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। मतलब हम फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशन वाइज एनालाइज कर रहे हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक एक डिफरेंस बता दूं। डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन का बेसिक डिफरेंस ये है, वो एक्सप्रेशन जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता रहा होता है, और यानी कि उसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी मौजूद हैं और किस तरीके से मौजूद हैं, तो इसमें हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला को। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला हमें ये बताता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में यानी किसी फार्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है ना, वो कौन कौन सी हैं। खासतौर पर बेस क्वांटिटीज की हम बात करते हैं इसमें, कि कितनी बेस क्वांटिटीज इसमें इन्वॉल्व होंगी और किस तरह से इन्वॉल्व होंगी। अब क्या मतलब है इसका, इसको हम एग्जांपल से समझ लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन की भी। मैं पहले आगे फॉरवर्ड करता हूँ एक स्लाइड को, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ना है। डायमेंशनल इक्वेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, यानी कि उसको जब इक्वेट करते हैं डायमेंशन से, दूसरे लफ्जों में जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखेंगे उसको हम डायमेंशनल इक्वेशन बोल देंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस है इसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास है The expression which shows how and which, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से कौन सी चीज इन्वॉल्व है और कैसे इन्वॉल्व है, ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस। यानी कि द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। इसकी एग्जाम्पल्स आपको समझ आ जाएगी बात। देखो, हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहां से हमें यह पता लग गया कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो है लेंथ, विड्थ और हाइट। सपोज कर लो कि किसी क्यूब का आपने फाइंड आउट करना है, तो उसकी सारी साइडें बराबर होती है, तो लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ बन सकता है उसमें। अब आपके पास एल क्यूब, अब आपके पास बेसिक जो डायमेंशंस है ना, मैंने बताई थी कि वो तीन डायमेंशंस है, तो इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज अगर हम बात करने वाले हैं तो ये एम एल टी लिखा जा सकता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब क्या नजर आ रहा है, एम की पावर जीरो, ये वॉल्यूम को देखिएगा जरा, एम की पावर जीरो, एल की पावर थ्री, टी की पावर जीरो। ये डायमेंशनल फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में यानी कि इस वॉल्यूम की डायमेंशंस में सिर्फ लेंथ इन्वॉल्व है, यानी कि बेस क्वांटिटी कौन सी इन्वॉल्व है, लेंथ पहली बात, और वो यानी कि विच का आंसर हमने दे दिया लेंथ, और हाउ उसकी पावर थ्री है, यानी कि उसके ऊपर जो यहाँ पे पावर लिखी हुई है जो हमने कल बात की थी अगर आपको याद हो एक्सपोनेंट की, तो वो थ्री है। सो ये जब चीज लिखी होगी आपके सामने तो आपको पता चल जाएगा ये वॉल्यूम है। सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी में हमें क्या पता लगता है, या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर आपको याद हो कल हमने ये बात की थी, मैं अगर देखता हूँ अगर पिछले हमारे पास स्लाइड्स मौजूद है यहाँ पे, तो ये देखो आपके पास ये मौजूद है। हमने कहा था कि डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि स्पीड के फॉर्मूले में कौन सी बेस क्वालिटीज है, डिस्टेंस भी और टाइम भी, तो डायमेंशन कौन कौन सी है, एल ओ टी, तो एल टी माइनस वन, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। यानी कि आप देखो जो हम पढ़ रहे थे अभी, ये स्पीड या वेलोसिटी के डायमेंशन एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन, यानी कि विच बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व, लेंथ एंड टाइम, हाउ इट इज इन्वॉल्व, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। ऑब्वियसली एल की पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई तो बात नहीं होगी। एम जीरो का मतलब क्या है कि एम जीरो क्या होता है वैसे, किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है, मैथमेटिक्स में वन होती है, तो ये इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसको लिख देते हैं डायमेंशनल फार्मूला को इस तरह से। तो हमें ये क्या बताता है डायमेंशनल फार्मूला कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है और कैसे इन्वॉल्व है, मतलब पावर के लिहाज। फिर हम बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की। अब थोड़ा सा बच्चों को ये कंफ्यूज करता है कॉन्सेप्ट कि ये तो सेम ही चीज लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। द डायमेंशनल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस व्हिच रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। देखो अब आपके पास अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी अब दोबारा से देखो ये वॉल्यूम है, एम की पावर जीरो, एल की पावर थ्री, टी जीरो,
यहाँ पे ये डायमेंशनल इक्वेशन है, और ये कैसे पता चलता है हमें? अगर यानी कि हमें कोई डायमेंशनल इक्वेशन दे दी जाएगी, मतलब हमें कोई इस तरह की बात लिखी होगी, m की पावर 0, l की पावर 3, d की पावर 0, तो ये हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये डायमेंशनल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है lt-1, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। फोर्स mlt-2 हमने कल कैलकुलेट किया था, mlt-2 फोर्स की डायमेंशन है। डेंसिटी ml-3 t की पावर 0। यानी कि अगर आप डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हो, तो डायमेंशनल इक्वेशन में हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में इन्वॉल्व होती हैं, हम उनको यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। हमें उनको देख के पता चल जाता है कि ये डायमेंशनल फार्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रही है। कहने का मतलब है कि आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि डायमेंशनल फार्मूला जो होते हैं ना, वो हम जनरली किसी फार्मूले से डिराइव करके लिखते हैं, और हम देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। मतलब हम पहले फार्मूला लिखेंगे उसका, फिजिकल फार्मूला, और वहां से हम उसकी डायमेंशनल फार्मूला बना लेंगे। और अगर हमारे पास कहीं पर डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, और हमारे पास सामने लिखा हुआ है डेंसिटी ml-3 t/0 को डायमेंशन लिखी हुई है, या अगर लिखी हुई है ml-2, तो हमें पता चलेगा देख के ये फोर्स है, यानी कि ये किसकी इक्वेशन है? ये फोर्स की इक्वेशन है। अगर कहीं पे लिखी हुई है वेलोसिटी lt-1, तो कहने का मतलब है हम इसमें यहाँ पे फार्मूला देख के बताते हैं कि क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी है कौन सी। और पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे कि हम लिख के वेलोसिटी को फॉर्मूला पहले लिखते थे फिजिकल, और उसके बाद हम एनालाइज करते थे कि इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी। तो लगता ऐसे है कि दोनों सेम चीजें हैं, कि डायमेंशनल फार्मूला जब लिख रहे हो और डायमेंशनल इक्वेशन, तो आपको लगता ऐसे है कि दोनों सेम है। लेकिन मैं पहले वाली बात दोबारा से रिपीट करूंगा कि जब एक्सप्रेशन या फार्मूला जो हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, तो वो जो फार्मूला होगा डायमेंशनल फार्मूला, वो हमें क्या बताएगा? जो फिजिकल क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, मौजूद होंगी, यानी कि डायमेंशन फार्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, कौन सी वाली क्वांटिटीज? बेस क्वांटिटीज। और जब हम फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट कर देते हैं, तब हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशनल इक्वेशन, यानी कि डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट करने का मतलब क्या है? जैसा अभी हमने कर दिया यहाँ पे कि वॉल्यूम जो है वो m/0 l3t/0 है, ये हमने इक्वेट कर दिया। मतलब हमें कहीं पे अगर लिखा हुआ हो l3, तो लाजमी मतलब होगा ये वॉल्यूम है। अगर हमारे पास कहीं पे ml-2 लिखा हो, तो जो सी मर्जी फोर्स हो वो रिप्रेजेंट फोर्स को कर रही होगी, तो इसका ये मतलब होता है। अब हमारे पास बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एडवांटेज या पहला यूज भी कह सकते हैं आप इसको, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। हमारे पास अगर आपके कैलकुलेशंस में कोई इक्वेशन इन्वॉल्व होती है, सपोज कर लें आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, vf = vi + at, vf² - vi² = 2as, या s = vit + ½dt², या आप कोई फार्मूला पढ़ते हो f = ma ½mv² काइनेटिक एनर्जी, p = mg, ये सारे फार्मूले हैं। हमने ये चेक करना है कि ये फिजिकल इक्वेशन क्या सही है या नहीं है। तो इसको सही प्रूफ करने के लिए हम दोनों साइड्स पे डायमेंशंस को पुट करते हैं, यानी कि हम इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को जो हम यूज करेंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है? कि गिवन फार्मूला जो भी है, आपको अगर कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली करेक्ट है, या सेकेंड इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, या थर्ड इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, मतलब डायमेंशंस पुट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशंस और राइट साइड के डायमेंशंस बराबर आ जाएं, मतलब आपने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, तो राइट साइड पे वेलोसिटी बाय टाइम लिखा होगा, उसका भी डायमेंशन फिर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए एक्सेलरेशन के। मतलब आपके फॉर्मूले में जो चीजें इन्वॉल्व होंगी, उन सबको सॉल्व करने के बाद, डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद, लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। इसे कहते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो अब आपके पास इसको हमने क्यों यूज करना है? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। मतलब कहीं पे लिखा होगा s = t, अब डिस्टेंस और टाइम तो बराबर नहीं हो सकते ना, इसका मतलब ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है, ये करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ s = vt, तो पता लगेगा s = vt सही इक्वेशन है। क्यों? वेलोसिटी और टाइम की डायमेंशन पुट करो, अल्टीमेटली आंसर लेंथ का आ जाता है, यानी कि कैपिटल एल आंसर आ जाता है। तो डिस्टेंस भी एल है और वीटी भी एल आ गया, कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे ऑब्वियसली, तो ये करेक्ट होगी। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, देखिएगा।
हमें कहा जा रहा है कि शो दैट वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट. यहाँ तक क्वेश्चन अगर होता था अभी बात सही थी, आगे उसने वैसे ही इन्फॉर्मेशन दे दी कि सब वो देखो ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी वी से मूव करता है किसी टाइम टी जीरो पे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई. बहरहाल वो बात उसने वैसे ही लिख दी. हम यहाँ पे वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी को देखना चाह रहे हैं कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं, यानी कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. अब देखो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, वी एफ, ये मेरा पॉइंटर देखिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टू टाइम, यानी कि ये जो सारा इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है, राइट साइड पे भी फिर क्या होनी चाहिए वेलोसिटी, क्योंकि आपने इक्वल टू का साइन डाल दिया ना, तो राइट साइड की डायमेंशंस पे जाहिर सी बात है वेलोसिटी होनी चाहिए. मैंने कल भी ये बात की थी आपको कि जब आप एप्पल्स और एप्पल्स को ऐड करोगे तो एप्पल ही आंसर आएगा ना, ओरिजिन नहीं बन जाने. तो वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी लिखी हुई है, राइट साइड पे आपने इसको इक्वेट कर दिया इन दो टर्म्स के साथ, तो लाजमी बात है इन दो टर्म्स का आंसर डायमेंशन वाइज वेलोसिटी ही आना चाहिए, वरना ये बराबर कैसे हो सकते हैं. देखो ना 100 रुपीज इज इक्वल टू 100 रुपीज होता है ना, 100 रुपीज 50 रुपीज के बराबर तो नहीं हो सकता, तो यहां पे ये बात करना चाह रहे हैं. अब देखो क्या करना है फिर आपने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, आपने इक्वेशंस में डायमेंशंस पुट करनी है, लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशंस पुट करनी है. क्या मतलब है जी इस बात का, वी एफ इज द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट साइड, यानी कि वी एफ लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, इसकी डायमेंशन क्या होंगी, एल टी माइनस वन. तो ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में हमने क्या किया, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पुट की, डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, हमने कल बात की थी फाइनल वेलोसिटी हो इनिशियल वेलोसिटी हो जीरो वेलोसिटी हो सबकी डायमेंशन एल टी माइनस वन ही होती है, फर्क नहीं पड़ता. अब राइट साइड की डायमेंशन भी पुट करो, बारी बारी पुट कर लो, इकट्ठी पुट कर लो, आपकी मर्जी है, मतलब वी अलग करो ए टी के अलग पुट करो, ये आप पे डिपेंड करता है. बहरहाल अब वी आई की डायमेंशन क्या होंगी, हमारे पास राइट साइड की डायमेंशन पुट करने शुरू करनी है हमने, वी आई की डायमेंशन प्लस एक्सेलरेशन टू टाइम की डायमेंशन, तो ये हमने बात लिख दी कि हम करना क्या चाह रहे हैं. तो ये मेरा पॉइंट देखिएगा, हम ये करना चाह रहे हैं डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम की डायमेंशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी की ऑब्वियसली डायमेंशन क्या होंगी, एल टी माइनस वन, ये पिछला लेक्चर हमने सुना हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, वरना आप पिछला लेक्चर सुन लें, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वाले फॉर्मूले से एल टी माइनस वन बन जाता. प्लस एक्सेलरेशन की क्या थी हमारे पास, एल टी माइनस टू, तो मेरा पॉइंटर देखिएगा, एक्सेलरेशन की जगह हमने उसकी डायमेंशन लिख दी एल टी माइनस टू. हम माइंड में याद करें हम डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, हम डायमेंशन पुट कर रहे हैं, टाइम को कैपिटल टी से फिर लिख देंगे हम. क्या किया दोबारा सुन लें, डायमेंशन पुट किए लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड की डायमेंशन, राइट पे राइट की डायमेंशन, तो लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन, राइट साइड पे वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन और टाइम सिंपल वर्ड्स में इनकी डायमेंशन अपनी अपनी जगह पे पुट कर दो. राइट साइड पे आंसर आ जाएगा एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, कैसे, ये एल टी माइनस टू और टी था ना, एल टी माइनस टू और ये टी दोनों की बेस सेम पावर्स ऐड, माइनस टू और इसकी पावर वन है ना, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया, माइनस टू प्लस वन माइनस वन बने, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन टू एल टी माइनस वन, इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है आपका, यहां तक अगर एक्सप्रेशन होता एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन, तो यहां पे क्या नजर आ रहा है कि वेलोसिटी और वेलोसिटी ही ऐड हो रही है, इसका मतलब है राइट साइड पे ये दोनों फैक्टर्स इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनटू टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी को. और ऑब्वियस बात है आप जरा सोचें एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम. अगर एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो वेलोसिटी कैसे आएगी, ए टी, यानी टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एक्सेलरेशन ज्यादा, तो ये दो चीजें ऐड होके वेलोसिटी ही देंगी ना. तो कल मैंने क्या बात बताई थी आपको, मैंने इक्वेशन आपको बताई थी कल, मैं पिछली स्लाइड पर जाता हूं, और हमने कहा था कि ये वाली चीज जो हमने कही थी कि इन डायमेंशन द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर्ड, थस चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इन द स्पीड आर ऑल इक्विवेलेंट. मतलब ये नहीं शुरू कर देना कि ये तो टू टाइम्स हो गया है एल टी माइनस वन, ये टू टाइम्स वैसे होता नहीं है, वैसे मैंने यहां पर लिख दिया है ये आपको समझाने के लिए कि कंफ्यूजन आप क्रिएट ना हो जाए आप में कि एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन कोई वैल्यू भी हो सकती है, ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड नहीं है, बल्कि मैं यहां पर रिमूव कर दूँ इस वक्त ताकि आप इसको समझ लें कि यहां पे आपके पास जो है ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये टू माइनस वन नहीं है, तो मैं यहां पे आपके पास इसको रिमूव कर देता हूं. तो ये हमने इसको रिमूव कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो. मतलब कहने का मेरा सिर्फ ये था कि आपके पास जो है एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन का आंसर वेलोसिटी और वेलोसिटी का ऐड करके आंसर वेलोसिटी आएगा, तो राइट साइड की चीजें फिर हमें वेलोसिटी दे रही है, डायमेंशन एल टी माइनस वन आ गई, तो लेफ्ट साइड भी हमारे पास एल टी माइनस वन आ जाएगी. तो इस तरह से आपने क्या किया, यहां हमने फाइंड कर ली है डायमेंशंस दोनों साइड्स की, पता लगा दोनों साइड के डायमेंशंस बराबर है, तो ये इक्वेशन यानी कि वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है. अब आपने अपने तौर पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो फॉर्मूले आपको आते हैं आपने साइड पे लिखते जाने और प्रूव करने की क्या वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं. वैसे हमारे पास इक्वेशन की हमने बात करनी है, तो आप यूजुअली इक्वेशन को ही लोगे, तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि वो तो फार्मूला है ना प्रेशर का या फोर्स का, या वो आप कंसिडर नहीं करेंगे, हम चूंकि इक्वेशंस की बात कर रहे हैं. अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशंस उठानी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या आपको कोई और एक इक्वेशन आती है तो आप उसको यूज करें. तो वहां से आपने क्या करना है, डायमेंशन एनालिसिस करना है, कंसिस्टेंट प्रूव करनी है, इक्वेशंस के ऊपर ही अप्लाई करना है, क्योंकि हमने ये रूल इक्वेशंस के लिए पढ़े. अब इसकी एक लिमिटेशन भी है, अगर फिजिकल रिलेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट हो भी तो इट डजंट मीन दैट के रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट. बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आपने एक डायमेंशन एनालिसिस किया, आपने डायमेंशन एनालिसिस करने का मतलब है डायमेंशन पुट की लेफ्ट पे और राइट पे, तो डायमेंशन बराबर आ गई, लेकिन वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट तो है, क्या उसका फिजिक्स में कोई फिजिकल एप्लीकेशन है या नहीं है? इसका आंसर ये है कि हमें नहीं पता होता. मतलब हमारी जो फिजिकल इक्वेशंस हैं, सारे के सारे फॉर्मूले जो डायमेंशनली करेक्ट हैं, वो डायमेंशनली करेक्ट तो होंगे अपनी जगह पे, लेकिन वो फिजिकली करेक्ट यानी कि एप्लीकेबल यानी कि यूजेबल है या नहीं है, क्या उनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं है, उसके बारे में हमें नहीं पता चलता. सो रिमेंबर दैट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नॉट बी एक्चुअली एग्जैक्ट इक्वेशन. मतलब डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन लाजमी नहीं है कि फिजिकली भी करेक्ट हो, लेकिन जो डायमेंशनली गलत इक्वेशन है या इनकरेक्ट है या इनकंसिस्टेंट है, वो इक्वेशन हमेशा गलत ही होगी. मतलब वो फिजिकली भी गलत ही होगी. मतलब आप कह दो कि s इज इक्वल टू ए टी, एक्सेलेरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि s इज इक्वल टू ए टी, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली भी गलत है और फिजिकली भी गलत है, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कोई नहीं है इसकी, और जाहिर सी बात है फिजिकल सिग्निफिकेंस वो भी कह सकती है क्योंकि हमने एक्सेलेरेशन को टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें तो वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करना था. तो याद रखिएगा कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है, जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है, लाजमी बात नहीं है कि वो फिजिकली भी सिग्निफिकेंस उसकी हो, कोई फिजिकली भी वो करेक्ट हो. और अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत हो गई है तो लाजमी बात है वो फिजिकली गलत होगी, वो मस्ट बात है. तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि हर फार्मूला जो लिखा जाता है वो डायमेंशनली करेक्ट तो हो सकता है, लेकिन उसकी फिजिकल करेक्टनेस यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं होगी. मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, f इज इक्वल टू ma का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि फोर्स प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का, फोर्स जो है बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, यानी कि ये रिलेशन हमारे पास फिजिकली सिग्निफाई करता है एक चीज को. लेकिन अब कोई फार्मूला आपने लिखा और डायमेंशनली वो गलत है तो लाजमी बात है वो फिजिकली भी गलत होना है. उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा पार्ट, डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इसका. हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके एक नया फार्मूला डिराइव कर सकते हैं. डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला हम यहाँ पे कर रहे हैं. हमारे पास पॉसिबल फार्मूला की डेरिवेशन में क्या मतलब है कि हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए हम फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम टाइम पीरियड के फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं, हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के एक फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं. तो हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, उनमें से हम कुछ पढ़ेंगे. सो हाउ डू वी डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, इसको हम पहले अब समझेंगे इक्वेशन से. मतलब हम फार्मूला डिराइव करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे और आपको समझ आ जाएगी. ये देखिएगा आपके पास मैंने ये तीन कलर्स इसलिए किए ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन क्या है और सोल्यूशन किस तरह से आपने करना है, यानी कि जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किस तरह से करना है. सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, यानी कि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे फार्मूला डिराइव किया जाता है. सपोज दैट वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर with uniform speed v is proportional to some power of r, say rn, and some power of v, say vm, determine the powers of r and v. यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ में यानी कि उस सर्कल का जो रेडियस है वो r है. अब ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा है, वो स्पीड यूनिफॉर्म है, जैसा कि ऊपर जो फैन है वो इस वक्त यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, अगर आप उसको रेगुलेटर से चेंज नहीं कर रहे स्पीड को. अब वो कहते हैं कि ये जो स्पीड है इट इज प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के. मतलब वो कहता है कि वो उसका एक रिलेशन बन रहा है आर के साथ और वो प्रोपोर्शन किसी पावर के लिहाज से भी है, मतलब आर की पावर एन. अब जाहिर सी बात है फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है लेकिन वेलोसिटी के साथ नहीं है, वेलोसिटी के स्केयर के साथ. इस बात का माइंड में रखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसके ऊपर पावर वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है. जब वन होती है तो हम उसके साथ लिखते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि उसके साथ पावर वन है. सो नाउ वी से दैट कि सपोज एक्सेलरेशन जो है वो आर पे डिपेंड कर रहा है और आर की किस पावर पे है, और सपोज करो कि वेलोसिटी जो है जो डिपेंड कर रही है वो वी की पावर एम पे भी डिपेंड कर रही है, यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, सॉरी फॉर दैट, जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है आर की पावर एन पे और वेलोसिटी की पावर वी एम पे. यानी कि अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है,
जो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ये बताया जाएगा आपको हमेशा। वो डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर्स पे, रेडियस पे और रेडियस ऑफ द सर्कल पे, और वेलोसिटी। और वेलोसिटी की भी ऑब्वियस बात है कि रेडियस की पावर अगर आर एन ली है तो वेलोसिटी की भी कोई ना कोई पावर लेनी पड़ेगी। तो हमने एज्यूम कर लिया वी की पावर एम है। अब हमारे पास क्या कहते हैं, फाइंड आउट द पावर्स ऑफ आर एंड वी। यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलेंगी, एक तो हमें ये पता चलेगा कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा, और यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि पावर ऑफ आर एंड वी क्या होगी। मतलब आर के ऊपर जो पावर एन है उसकी वैल्यू क्या है, और वी के ऊपर पावर जो एम है उसकी वैल्यू क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास अब हम लिखते हैं गिवन डाटा, रेडियस ऑफ द सर्कल हमें गिवन है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी, यानी कि हमें जनरल जो रेडियस है आर वो गिवन है, और स्पीड ऑफ द पार्टिकल को हमने वी से रिप्रेजेंट किया। फाइंड क्या करना है हमें, पावर ऑफ आर यानी कि एन की वैल्यू और पावर ऑफ वी यानी कि एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन हम करते हैं जी, अब कैसे करते हैं देखिएगा जरा। अब आप करने वाले हो डायमेंशनल एनालिसिस, किस तरह करना है इसको जरा गौर से सुनेंगे। बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो आर की पावर एन वी की पावर एम, हमें उसने खुद बता दिया था। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन और वी की पावर एम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा जा सकता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, तो आर की पावर एन वी की पावर एम ये बन गई हमारी इक्वेशन वन। यानी कि जो फैक्टर्स जिन पे ये एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे हुए थे, हमने उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर की पावर एन और वी की पावर एम, ये बन गई हमारी इक्वेशन वन। कहाँ से बनाई मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, एक्सेलरेशन के जो फैक्टर्स थे जिन पर वो डिपेंड कर रहा था वो मैंशन थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हमने डायमेंशन एनालिसिस करके डायमेंशन पुट करनी है इस इक्वेशन में। लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन, राइट साइड पे आर एन वी एम। कल अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू होता है, वैसे बता रहा हूँ आगे हम करते हैं इस चीज़ को। एल टी माइनस टू होता है एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। कौन से कॉन्स्टेंट की, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की, फिजिकल कॉन्स्टेंट की होती है, कल मैंने बताया था, यानी कि पिछले लेक्चर में बताया था। आर की पावर एन ये लिख दिया हमने, और वी की पावर एम, यानी कि हमने ये क्या लिखा है कि हम डायमेंशन एनालिसिस करना चाह रहे हैं इस पूरी इक्वेशन का। तो हमने डायमेंशन का साइन लगा दिया ए के साथ, ब्रैकेट लगा दी आर के साथ और वी के साथ, पता लगाने के लिए कि हमने ये कुछ करना है, हमने ये डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होंगी, नाउ पुटिंग द डायमेंशन वी हैव एल टी माइनस टू, ऑब्वियस बात है एल टी माइनस टू लिखेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को ऐसे ही रहने देंगे, डायमेंशन ऑफ आर पुट करोगे। आर क्या है, रेडियस, मैंने क्या बताया था, रेडियस हो, हाइट हो, विड्थ हो, ये सारी चीज़ें, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये सारी चीज़ें लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आर की फिर क्या हो जाएगी, कैपिटल एल, और पावर क्या हमारे पास एन है उसकी। सिमिलरली वेलोसिटी क्या हमारे पास, एल टी माइनस वन, तो वेलोसिटी की जगह हमने एल टी माइनस वन लिख दिया, और पावर एज इट इज एम आ गई। अब लेफ्ट साइड पर देखो एल टी माइनस टू कॉन्स्टेंट, एल की पावर अब देखो क्या हो जाएगी, देखो अब एल दोनों टर्म्स में आ रहा है, ये मेरा पॉइंटर देखिएगा, एल यहाँ पे भी आ रहा है रेडियस में भी, और एल कहाँ पे आ रहा है, वेलोसिटी में भी। तो बेस सेम पावर जेड, बेस कैसे सेम है, ये भी एल है ये भी एल, लेकिन इसके ऊपर पावर एन है और दूसरे एल के ऊपर पावर एम है, तो बेस एल रहेगी, एन और एम ऐड हो जाएंगी, तो हमने लिख दिया एन प्लस एम, मैथमेटिक्स हो गया सिंपल। अगेन बेस सेम पावर जेड, तो लेंथ एन प्लस एम हमने लिख दिया, और टी माइनस वन है तो ये माइनस वन और एम मल्टीप्लाई होंगे आपस में, पावर जो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है याद रखना आपने, तो माइनस एम बन जाता है। टी की पावर क्या बन जाएगी, माइनस एम बन जाएगी। सो एल टी माइनस टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मेरा पॉइंट देखिएगा, ये हमने क्या किया, हमने डायमेंशन पुट कर दिए। अब डायमेंशन पुट करने के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं असल में कि ये जो हमने कहा था आर की पावर एन और वी की पावर एम, यानी कि एन और एम जो पावर्स हैं ये कैसे इफेक्ट कर रही है, मतलब फॉर्मूले में इनकी वैल्यू क्या होगी, ये तो वेरिएबल्स है ना एन और एम, एन और एम की वैल्यू क्या होगी, क्या स्केल होगी, क्या क्यूब होगी, वन होगी, क्या होगी, मतलब क्या एन और वी के आपस में जो लिखी हुई है एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन, क्या एक्सेलरेशन रेडियस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, क्या वो इन्वर्सली डिपेंड करता है, हमें ये नहीं पता। हमने अभी आइडेंटिफाई करना है, हमने इक्वेशन में लिख तो दिया था कि ये रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन में एन की पावर अगर माइनस आ गई तो ऑब्वियसली ये रिलेशन इन्वर्स हो जाएगा। सपोज अगर एम की पावर पॉजिटिव आ गई तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, सपोज कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हमने देखना है, तो ये एन और एम पता कैसे लगेगा ये माइनस है ये पॉजिटिव है, उसके लिए हमने अब क्या करना है, ये देखो व्हाइट कलर का मैंने शो किया हुआ है ताकि पता लगे कि एक स्टेप हमारे पास खत्म हो गया, एक हमने काम कर लिया। हमें स्टेटमेंट गिवन थी, फिर हमारे पास सोल्यूशन हमने सॉल्व किया, डायमेंशंस पुट की, फिर हमने क्या किया, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ डायमेंशंस। कोफिशिएंट्स ऑफ डायमेंशंस का मतलब क्या है, मतलब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो जो ये डायमेंशन लिखी हुई है, एल और टी ही सारी इक्वेशन में लिखी हुई है ना, कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं, लेंथ वाले, टाइम वाले,
तो लेंथ की डायमेंशंस लेफ्ट साइड पे और लेंथ की डायमेंशंस राइट साइड पे। दोबारा देखो मेरा पॉइंटर, लेंथ की डायमेंशंस राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। तो अभी मैंने कहा पॉइंटर मूव करवा रहा हूँ लेफ्ट पे, तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ, डायमेंशंस ऑफ लेंथ ऑन द राइट साइड, ये दोनों, और ये आपके पास एल की पावर एन प्लस एम बन गई थी। तो मेरी इस इक्वेशन में जरा गौर से देखिएगा, एल की माइनस टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एल की पावर एन प्लस एम और टी की पावर माइनस एन। इसमें हमने अब कॉफिशेंट्स को हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन इस तरह से करना है कि हम पावर्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो कॉफिशेंट्स हैं उनको राइट साइड के कॉफिशेंट से, दूसरे लफ्जों में कॉफिशेंट्स क्या किस को रहे हैं, हम डायमेंशन को कॉफिशेंट बोल रहे हैं। लेंथ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर पावर क्या है अभी, अगर लेंथ के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है इसका मतलब इसके ऊपर पावर वन है। तो हमने यहाँ पे डायमेंशन की पावर्स को कंपेयर कर देना, डायमेंशन की पावर्स को। दोबारा मैं रिपीट कर दूं ये बात, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, असल में डायमेंशंस जो आपके पास हैं उनकी पावर्स को कंपेयर करना। अब कंपेयर करना किस तरह, बारी बारी, पहले लेंथ की डायमेंशंस जो लेफ्ट पे और राइट पे हैं इनकी पावर्स को, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टाइम की पावर्स को भी आपस में कंपेयर कर देना। तो पहले लेंथ देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पावर क्या है वन, तो मैंने ये लिखा हुआ है वन। फिर लेंथ की पावर राइट साइड पे क्या है एन प्लस एम, तो मैंने लिख दिया एन प्लस एम, एन प्लस एम इज इक्वल टू वन। यानी कि हमने कॉफिशेंट्स को कंपेयर किया पावर्स को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे फिर n प्लस एम इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन वन बन गई। और अब अगले स्टेप में किसको कंपेयर करना है, जो दूसरा कॉफिशेंट इन्वॉल्व है टाइम है। तो यहाँ पे टाइम को कंपेयर कर दिया, टाइम की कंपैरिजन का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे टाइम दिया हुआ है हमारे पास, अगर लेफ्ट साइड पे हमारे पास टाइम है तो इसके ऊपर पावर क्या है माइनस टू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस टू। और फिर राइट साइड पे देखा हमने, राइट साइड पे टाइम के ऊपर पावर क्या है माइनस एम दी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एम लिख देनी है। तो इसका मतलब है, दोबारा से देखिएगा, टाइम यहाँ पे माइनस टू है, दूसरे राइट साइड पे सिर्फ टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है और उसके ऊपर पावर भी सिर्फ माइनस एम है। तो माइनस एम को सीधा सीधा इक्वेट कर दिया माइनस टू के साथ, तो माइनस एम इक्वल माइनस टू, एम की वैल्यू क्या आ गई टू आ गई। तो हमने क्या किया जरा दोबारा सुन लें, हमने इक्वेशन बना के कॉफिशेंट्स की पावर को आपस में इक्वेट कर दिया, तो ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हमारे पास बन गया। अब यहाँ से एम की पावर टू बन गई, अगर m पता चल गया तो इक्वेशन वन में पुट कर दो, m की जगह पे जब आप टू पुट करोगे तो वन माइनस टू माइनस वन, यानी कि देखो n की पावर क्या बन जाएगी, राइट साइड पे मैंने सॉल्व की हुई है, n प्लस टू इज इक्वल टू वन, n प्लस टू क्यों लिखा, बिकॉज n प्लस m था ना, m की वैल्यू टू आ गई है, टू लिख दिया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन। यानी कि अब आपको पावर्स भी पता चल गई, m जो अननोन पावर थी वो हमें फाइंड करनी थी ना, और n भी पता चल गई वो भी हमें फाइंड करनी थी, एक माइनस वन और एक आपके पास टू आ गई। अब क्या हुआ, ये पावर्स तक फॉर्मूला आप पावर्स तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन इसको थोड़ी सी एक स्टेप आगे जाएंगे। आगे मतलब ये है कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, किसका, एक्सेलरेशन का, कैसे पता चलाना। देखो ये इक्वेशन वन देखो जरा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर की पावर एन बी की पावर एन। अब हमें पता लग गया है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर की पावर n, यानी कि माइनस वन v की पावर m, यानी कि प्लस टू। तो ये देखो नीचे का लिखा हुआ है, a की पावर v स्क्वायर बाय r, a की फॉर्मूला सॉरी v स्क्वायर बाय r बन जाएगा, कैसे, v की पावर m है ना, तो v की पावर टू, r माइनस वन, तो माइनस वन नीचे जाके r लिखा जा सकता है ना, यानी कि r माइनस वन को हम डिवाइजर में लिख सकते हैं, तो हमने v स्क्वायर बाय r लिख दिया। तो एक्सेलरेशन आ गया उस ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ए इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। सो दिस इज हाउ वी डिराइव अ फॉर्मूला, दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड एन एक्सेलरेशन फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, चैप्टर नंबर 5 में हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास जो है डिराइविंग अ पॉसिबल फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब अगर आपको कोई बात नहीं, कोई क्लियर नहीं है बात, तो काइंडली आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, और मैंने लिंक दिया होता है, मेरे शॉनी का नंबर भी दिया होता है अपना, उस पर आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास था जी डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा यूज, जिस पर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। अब आपके पास एक और फॉर्मूला है टाइम पीरियड वाला, आपकी बुक में उसने ये सॉल्व किया हुआ है, तो मैं उसको एनालाइज करता हूँ, अगर मेरे पास वो ओपन हो जाता है तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको करना क्या उसके अंदर। अब देखो उसने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल भी दी हुई है, मैं बुक ओपन कर लिया मैंने जी आपके लिए। कहता है यूज डायमेंशन एनालिसिस टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन, कहता है ये दो फॉर्मूले f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो आप क्या करोगे, डायमेंशन फॉर्म डायमेंशन पुट करोगे लेफ्ट साइड पे, डायमेंशन पुट करोगे राइट साइड पे।
अगर MLT माइनस टू फोर्स की डायमेंशन है तो राइट साइड पे इसका आंसर क्या आना चाहिए MLT माइनस टू। जब आप पुट करोगे ना इसको तो इसका आंसर नहीं आएगा MLT माइनस टू, लेकिन जब आप इसको पुट करोगे एम वी स्केयर बाय आर, तो हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का है। अब देखो ना F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो अभी हमने वी स्केयर बाय आर कैलकुलेट किया है ना, तो F इज इक्वल टू एम ए, ए की जगह हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पुट कर देना वी स्केयर बाय आर, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगी, ये फार्मूला भी सही है। तो यहाँ पे याद रखना इसकी डायमेंशन जो कि गलत है तो इसका फॉर्मूला भी गलत है, फिजिकली भी गलत है, डायमेंशन वाइज भी गलत है। ये फॉर्मूला डायमेंशन वाइज सही है और फिजिकली भी सही है, लेकिन हमने पहले बात कर चुके हैं कि लाजमी नहीं है कि डायमेंशन वाइज कोई चीज सही हो तो वो फिजिकली भी सही हो। बहरहाल ये तो था करेक्टनेस वाला। अब बात करते हैं डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला वाला। अब वो कहते हैं कि ड्रैग फोर्स का फार्मूला डिराइव करो। उसके लिए याद रखना ड्रैग फोर्स जिस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ईटा की डायमेंशन उसने बता दी, आसान कर दिए काम। इट डिपेंड अपॉन द रेडियस, इट डिपेंड अपॉन द स्पीड। अब उसने यहाँ पे पावर्स मेंशन नहीं की, लेकिन आप पावर्स खुद मेंशन करोगे। मतलब आप लिखोगे देखो अब एफ डिपेंड्स अपॉन ईटा आर एंड वी, पावर्स ए बी सी का नाम दे दिया, बाकी सारा कुछ वही है। फिर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन का था सिंबल, ये इसने गलती से स्केयर रूट लिख दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करोगे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट आ जाएगा, के की कोई डायमेंशन नहीं होने वाली, के कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। तो अब आपने क्या करना है फिर, जो ईटा था आर और वी, ईटा की डायमेंशन खुद बता दी है उसने क्वेश्चन में, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। रेडियस क्या होगा, अभी हमने की थी बात, लेंथ, वेलोसिटी एल टी माइनस वन होती है। तो ये वही चीज दोबारा से, लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन पहले फाइंड आउट करनी है इक्वेशन बना के, और उसके बाद कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स यानी कि उनकी पावर्स कंपेयर करनी है बेसिकली। तो ये आपके पास आ जाती है इस तरह से, ए बी सी पावर आ देंगी, फार्मूले में वापस पुट कर दोगे ए बी सी पावर, पता लग जाएगा कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, सिक्स पाई ईटा आर वी। तो ये आपके पास एस आर वी, तो सिक्स पाई मैंने क्यों बोल दिया, बिकॉज ये तो के होता है असल में, सिक्स पाई के बराबर होता है। और बता डायमेंशन एनालिसिस से हमें के की वैल्यू नहीं पता चल सकती, फिजिकल एनालिसिस से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, फिजिकल थ्योरी से हम उसको डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से हम नहीं कर सकते, हम इसको आगे जाके देख लेंगे। मतलब क्यों नहीं कर सकते, इसको हम आगे जाके देख लेते हैं। तो ये लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, हम नहीं फाइंड कर सकते। बहरहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हम बात कर रहे थे। अब आपने मसला अगर कोई हो तो मुझसे पूछ लेना। अब पॉइंट टू पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायमेंशन एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग, इन डिड्यूसिंग सॉरी द रिलेशंस अमंग द इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हाउएवर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। यही बात हमने अभी की है कि अगर आप ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला आप सॉल्व करोगे ना, तो के जो है उसके अंदर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू नहीं आती हमारे पास, या कोई भी फॉर्मूला हम बात करते हैं जब टाइम पीरियड की, तो टू पाई एल ओवर जी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अब डायमेंशनल एनालिसिस से आप जब फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो तो आप लिखते हो कांस्टेंट अंडर रूट एल बाई जी, उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आएगी डायमेंशनल एनालिसिस से, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो याद रखें कि दो लिमिटेशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक ये कि ये हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं बताता, ठीक हो गया, कांस्टेंट्स कौन से वाले, न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में हमें नहीं बताता। और एक लिमिटेशन हमने पहले पढ़ी है कि लाजमी बात है कि जो लाजमी ये नहीं लाजिम कि जो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है वो फिजिकली भी करेक्ट हो, वो फिजिकली भी सिग्निफाई करे किसी चीज को। तो ये बात हमने दो चीजें पढ़ ली, आगे लिमिटेशन क्या क्या अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो ये कुछ लिमिटेशन, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इतनी डिटेल में नहीं जाना, मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बात बताई है। जल्दी से इनकी बात करता हूँ कि एक पहले हमें ये नहीं पता चल सकता तीसरी लिमिटेशन क्या है इस चीज़ की, तीसरी लिमिटेशन डायमेंशन एनालिसिस की क्या है। मैंने पहले बता दी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता चलती। दूसरी हमारे पास अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैव नो डायमेंशंस, विच हैव नो डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल के या टू पाए टी टू पाए ओवर जी, इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं, ये जो वैल्यूज हैं वन ओवर टू हाफ एम वी स्केयर की या टू पाई जो आया आपके पास टू पाई ओवर जी में टाइम पीरियड ऑफ द सिंबल पेंडुलम में, ये डायमेंशन एनालिसिस से नहीं आती, ये फिजिकल एनालिसिस से आती है। यानी कि जब हम इसको डायमेंशन एनालिसिस में लिखेंगे उसको हम सी ओ एन एस टी ए एन टी कॉन्स्टेंट ही लिखेंगे, या उसका सिंबल लिख देंगे कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू कभी भी नहीं लिखेंगे। तो एक तो लिमिटेशन ये होगी। फिर पहली लिमिटेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है लाजमी बात नहीं है कि वो फिजिकली भी कोई सिग्निफाई करेगी इस चीज को। अब ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड बनी यानी कि असल में हमारी थर्ड बन रही है, लेकिन हमने सीक्वेंस में सारा कुछ दोबारा लिख दिया तो कोई मसला नहीं है इसमें। अगर डायमेंशन हमें गिवन होंगी तो अगर सपोज कर लो आता है MLT माइनस टू आंसर, अब हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है या टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है या वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रही है इसको, एनर्जी को, टॉर्क को और वर्क को, ठीक हो गया। तो हमारे पास किस तरह से ये बल्कि एम एल स्केयर टी माइनस टू है, ML1 नहीं है, ये एम एल स्केयर टी माइनस टू होगी, देख लीजिएगा एम एल स्केयर टी माइनस टू।
अब हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये वर्क है, एनर्जी है या टॉर्क है, क्योंकि देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल बता देंगे बात। हमारे पास फॉर्मूला होता है डब्ल्यू का, वर्क का, एफ डी, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन पुट करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है हमने। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, कैसे पता चला, एक्सेलेरेशन होता है ना हमारे पास, तो ये इस एल टी माइनस टू सारा एम फॉर द मैस एक्सेलेरेशन एल टी माइनस टू, और डी साथ मौजूद है ना, ये तो फोर्स की डायमेंशन पुट की मैंने, तो मैंने इसको अलग अलग करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये फोर्स की डायमेंशन पुट की और साथ किसकी डायमेंशन पुट करनी है हमने, डिस्टेंस की, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एल। तो हमारे पास ये क्या आ गया, डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई करोगे दो लेंथ आ गई, तो ये बन जाएगा लेंथ इंटू लेंथ हमारे पास, यानी कि ये वाली लेंथ की पावर वन और ये वाली लेंथ की पावर टू वन, दोनों आपस में बेस सेम पावर्स ऐड, तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम एल स्केयर टी माइनस टू। तो ये एम एल स्केयर लिख दिया टी माइनस टू। अब अगर आप टॉर्क की कैलकुलेट करो ना, टॉर्क की टी माइनस टू लिख दो, एक मिनट, टॉर्क की कैलकुलेट करो तब भी ये डायमेंशन आएगी, अगर आप वर्क की कैलकुलेट की तब भी ये डायमेंशन आती है, अगर आप एनर्जी की बात करो ना हाफ एम वी स्केयर या एम जी एच की, वो भी ये डायमेंशन आती है। इसका मतलब डायमेंशन एनालिसिस में अगर कहीं पे लिखा हुआ है एम एल स्केयर टी माइनस टू, तो हमें तो पता ही नहीं चलना कि ये डायमेंशन किस चीज की है, क्या ये टॉर्क की है, क्या ये वर्क डन की है या किसी एनर्जी की है। तो याद रखो यही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है हमने कि वी कैन नॉट फाइंड आउट कि ये किस चीज की है, इट मे बी वर्क, इट मे बी टॉर्क, इट मे बी एनर्जी। तो ये एक और लिमिटेशन आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरी बात, ये जो साइनोसाइडल वेव्स या कोसाइन वेव्स की हम बात करेंगे आगे जाके, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी डायमेंशन एनालिसिस खामोश है। मतलब ये जो इक्वेशन है ना आपके सामने एक लिखी हुई है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हम पढ़ेंगे बाद में जाके, ये आपके पास जो इक्वेशन है क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। मतलब हम इसको ये रिलेशन डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि दीज इक्वेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज फंक्शंस, यानी कि ये वाले फंक्शन जो है डायमेंशन एनालिसिस से प्रूफ नहीं किए जा सकते। इस बात को अपने ख्याल रखना, ये भी लिमिटेशन है। मैंने पहले बताया कि ये लिमिटेशंस दो तीन आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, ये आपकी बुक में नहीं है सारी चीजें, लेकिन आपको फिर भी एक इन्फॉर्मेशन, आप तीन याद रखोगे जो मैं पहले तीन बता चुका हूँ आपको, ठीक हो गया। हाँ, चौथी भी याद रखो, ये सबसे आखिर में जो लिखी हुई है, दिस मैथड डज नॉट इन्फॉर्म अस वेदर द नेचर ऑफ द ड्राइव क्वांटिटी इज फिजिकल और, यानी कि हमारे पास जो नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, हमें नहीं पता चलेगा। ऊपर देखो ना, अगर ये टॉर्क है तो ये तो नहीं पता चलेगा ना कि ये वेक्टर है या स्केलर है, क्योंकि ये तो वर्क भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है। तो फिजिकल क्वालिटी कौन सी है ये भी नहीं पता चलती, और उसकी नेचर क्या है वो भी नहीं पता चलती, स्केलर है या वेक्टर है, उसके बारे में भी खामोश है डायमेंशन। तो बाकी जो चीज़ें लिखी हुई है इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने दो पेज में, क्या लिखा हुआ है कि तीन से ज़्यादा अगर कोई चीज़ें डिपेंडेंट हैं, मतलब कोई फॉर्मूला आपके पास, और फॉर एग्जाम्पल एफ इजिकल टू एम ही है ना, तो एफ डिपेंड कर रहा है मैस और एक्सेलरेशन पे, लेकिन अगर फॉर्मूला इस तरह से होता कि तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे कोई चीज़ डिपेंड कर रही होती, तो उसके लिए भी डायमेंशन एनालिसिस यूज़ नहीं कर सकते हम। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लिखे हैं ये वैसे आपको समझाने के लिए तो नहीं है, ये वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो मेन पॉइंट्स आपको पता लग गए कि डायमेंशन एनालिसिस हमें स्केलर वेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता, डायमेंशन एनालिसिस हमें न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता, डायमेंशन एनालिसिस हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्टिंग्विश करके नहीं देता कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम होती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। तो होपफुली जी आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो फिर मैं दोबारा बोलूँगा कि आप अपने व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।